भारत का मान, अभिमान, गौरव, रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। उनकी जिंदगी से जुड़े वैसे तो तमाम किस्से हैं, लेकिन उनमें सबसे खास है लता और राज सिंह डूंगरपुर के प्यार का किस्सा, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। लता दीदी और राज सिंह एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। राज सिंह ने साल 2009 में जिंदगी भर कुंवारे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। दोनों की मुलाकात लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर और राज में दोस्ती थी। पहली मुलाकात के बाद ही राज और लता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन इस रिश्ते पर डूंगरपुर के शाही घराने की टेढ़ी नजर थी। राज डूंगरपुर रियासत के महाराजा के तीसरे बेटे थे। उनकी तीनों बहनों की शादी शाही परिवारों में हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि राज भी अपनी शादी इस परंपरा का पालन कर किसी शाही खानदान में ही करेंगे। राज की मां सुशीला सिंह लता के सख्त खिलाफ थी। एक बार तो राज की मां सुशीला ने लता को पुराने बीकानेर हाउस में आमंत्रित किया और लता से कहा कि वो राज सिंह को छोड़ दे ताकि उनका बेटा किसी योगरानी की तलाश कर सके। कहा यह भी जाता है कि राज और लता ने चुपके से शादी भी कर ली थी, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लता और राज के बीच यकीनन बहुत प्यार था। एक दूसरे के प्रति उनकी वफा ऐसी थी कि दोनों साल 2009 तक अविवाहित और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। 2009 में राज सिंह की मृत्यु के बाद ही इस अफसाने का सिलसिला टूटा। राज लता को अकेले में मीठू कहकर बुलाते थे। दोनों साथ में कई संस्थाओं की मदद भी करते थे। राज और लता ने जिंदगी भर अपने प्यार को निभाया। आज लता दीदी के साथ उनके इस अटूट प्यार का भी अंत हो गया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।